यस मैम, यस मैम। हमें ड्राइव करना था और लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्यों करना था, क्योंकि आइंस्टाइन के जो टू पॉस्टुलेट्स थे वो गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन उनको वैलिड नहीं कर पा रही थी और वो हाई वेलोसिटी पे फेल हो जा रही थी, तो हमको एक नए तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन चाहिए थी जो लाइट की वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है या उसकी कंपेरेबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है उस पर एप्लीकेबल हो। ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया, चलिए तो क्या कह रही थी, टू फ्रेम है एस एंड एस डैश, एस डैश पे है, एस डैश फ्रेम वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट हम मान लेते हैं कि मूव कर रहा है। अभी हाई वेलोसिटी के लिए देख रहे हैं, फिर कहेंगे कि ये लो वेलोसिटी पे भी अप्लीकेबल है तो केस लगा के देख लेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉरेंज एक्स डैश जो है इक्वल नहीं होता है एक्स माइनस वी टी के, इस प्रोपोर्शनल होता है, तो एक्स डैश इज प्रोपोर्शनल टू एक्स माइनस वी टी, प्रोपोर्शनल हटाया कॉन्स्टेंट लगाया बीटा, तो एक्स डैश इक्वल टू बीटा एक्स माइनस वी टी, बीटा प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है, वाई इक्वल टू वाई डैश, जेड इक्वल टू जेड डैश, इनवर्स में हमने सेम इक्वेशन वन को लिख लिया एक्स इक्वल टू बीटा एक्स डैश प्लस वी टी डैश। फिर हम क्या कह रहे हैं, अब हमारे पास एक तरीके से लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हो गई है, अगर बीटा की वैल्यू पुट कर दें तो हम पे लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ जाएगा, इधर बीटा की वैल्यू पुट कर दें तो इनवर्स लॉरेंट आ जाएगा। बट अभी टी और टी डैश पे रिलेशन नहीं आया तो हमने क्या कहा, एक्स डैश की वैल्यू इक्वेशन वन से इक्वेशन फोर में पुट कर दिया और इसको रीअरेंज करके सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो एक्स डैश की जगह यहाँ पे बीटा एक्स माइनस वी टी रखा, बीटा को अंदर मल्टीप्लाई किया तो बीटा स्क्वायर एक्स माइनस वी टी, इधर बीटा गया तो बीटा वी टी डैश, फिर इसको रीअरेंज करके सॉल्व करना स्टार्ट किया, इसको लेफ्ट में ले गए, इसको लेफ्ट में ले गए, टी डैश को राइट में रखा, तो बीटा वी टी डैश इक्वल टू एक्स माइनस बीटा स्क्वायर एक्स प्लस बीटा स्क्वायर वी टी, फिर यहाँ से भी बीटा पी को नीचे ले गए तो जो कैंसिल हो रहा था उसको कैंसिल कर लिया, टी डैश हमारा आ गया बीटा टी प्लस एक्स अपॉन वी वन अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस वन, इक्वेशन फाइव आ गई थी। अब हमें सिर्फ बीटा और बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, पुट करते तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आती, तो उसके लिए हमने क्या किया, हमें क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट या लाइट की वेलोसिटी से मूव कराना है तो हमने फिर इसके लिए लाइट सोर्स ही ले लिया, कि पी पॉइंट पे हमने जब ये यहाँ पे दोनों एक जगह मैच कर रहे थे तो हमने लाइट सोर्स रख दिया और जैसे ही फ्रेम मूव स्टार्ट होना हुआ तभी हमने लाइट सोर्स को भी ऑन कर दिया, तो जैसे जैसे फ्रेम एस डैश मूव करेगा वैसे वैसे लाइट भी मूव करेगी, लेकिन फ्रेम एस डैश वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है जबकि लाइट अपनी वेलोसिटी से मूव करेगी सी वेलोसिटी से, तो विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगी सी टी ट्रैवल करेगी, विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस डैश जो लाइट डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो एक्स डैश इक्वल टू सी टी डैश करेगी। हमने वाई और जेड डायरेक्शन इसलिए ले लिया, दोनों के केस में वो डायरेक्शन सेम थी क्योंकि उस डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा, तो ऑब्जर्वर को वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में डिस्टेंस सेम लगेगी, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में इन दोनों ऑब्जर्वर के लिए जो डिस्टेंस लाइट ट्रैवल कर रही है वो अलग अलग हो रही है। सपोज लाइट यहाँ पर है तो इस ऑब्जर्वर के लिए लाइट इस जगह है, इस ऑब्जर्वर के लिए डिस्टेंस ये है, तो दोनों के लिए अलग अलग है। तो हमने क्या किया, x और x डैश की वैल्यू इक्वेशन वन एंड फोर में पुट किया, इक्वेशन वन में पुट किया तो इक्वेशन एट आया, इक्वेशन फोर में पुट किया तो इक्वेशन नाइन आया, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई की और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, बीटा आया वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ से सेम हमने वन अपॉन बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली जो आई वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो अगर इसको इक्वेशन फाइव में पुट करते हैं बीटा और वन अपॉन बीटा स्क्वायर को तो हमारा टी डैश आ जाता है जो हमारा आया था टी माइनस एक्स पी अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, बीटा की वैल्यू इक्वेशन वन में पुट करते हैं तो एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, क्योंकि फ्रेम हमारा एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है इसलिए एक्स वाई और जेड कंपोनेंट दोनों के लिए सेम है, तो वाई डैश इक्वल टू वाई जेड डैश इक्वल टू जेड, यहाँ तक हमने कर लिया था। तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमारी चारों को अगर हम साथ में लिख रहे हैं, अगर आपने नहीं लिखी है तो इसको लिख लीजिएगा, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आर एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, वाई डैश इक्वल टू वाई जेड डैश इक्वल टू जेड एंड टी डैश इक्वल टू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर।
फिर इससे अगर हमें इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखना है तो मैंने आपको सिखाया भी था कि x डैश को हम क्या करेंगे, x से रिप्लेस करेंगे, इनवर्स लिखना मैंने बता रखा है आपको क्या करना है कि जहां पर डैश है उसको अनडैश करेंगे, जो अनडैश है उसको डैश करेंगे, v को माइनस v से रिप्लेस करेंगे, t जो है t डैश हो जाएगा। ठीक है, इतना अगर पुट करेंगे ऐसे ही y के केस में, y डैश को y से रिप्लेस करेंगे, y को y डैश से रिप्लेस करेंगे, z को z डैश से रिप्लेस करेंगे, z डैश को z से करेंगे। अगर हम ये सब करते हैं तो हम इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिख सकते हैं जो हमारी आती है x इक्वल टू x डैश प्लस वी टी डैश अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, y इक्वल टू y डैश, z इक्वल टू z डैश, t इक्वल टू t डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो हमने यहाँ तक कर लिया था, अब इसके हमें आगे करना था। यहाँ तक अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए। अगर यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए, फिर नहीं तो इसको करना स्टार्ट करते हैं। नहीं है, ठीक है, तो फिर आज का जो हमें टॉपिक करना है वो करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या मतलब जो हमारा पार्ट रह गया था इसमें, जो क्वेश्चन में पूछा भी गया था कि लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लो वेलोसिटी पे केल्विन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की तरह बिहेव करती है, या इसको हम लिख सकते हैं सुपीरियरिटी ऑफ लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, सुपीरियरिटी ऑफ लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन ओवर गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो हेडिंग डाल लीजिएगा ये आप साथ साथ, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, सुपीरियरिटी ऑफ लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ओवर गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, या हम कह सकते हैं लो वेलोसिटी पे ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो केस क्या है लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, पहले लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिख लेते हैं क्या होती है हमारी, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या क्या है। पहली है हमारी, अब ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए क्योंकि अभी जब हम डेरिवेशन करेंगे तो चारों हमें पता होनी चाहिए, फिर जब कल लेंथ कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो आप ही बताओगे मुझे, x माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, y डैश इक्वल टू y, z डैश इक्वल टू z, एंड t डैश इक्वल टू t माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। x माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर x डैश है, y इक्वल टू y, y डैश इक्वल टू y है, z डैश इक्वल टू z है, एंड t डैश इक्वल टू t माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो हमारा गैलेरियन ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन कब होता है, जब वेलोसिटी लो होती है लाइट की वेलोसिटी, तो v इज वेरी वेरी लेस देन c, अगर v वेरी वेरी लेस देन c है तो उस केस में v अपॉन c अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इज वेरी वेरी लेस देन वन आएगा, और कह लीजिए v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर तो और ज्यादा स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, जब v इज वेरी वेरी लेस देन c तो v अपॉन c वेरी वेरी लेस देन 1, देन v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इज आल्सो वेरी वेरी लेस देन 1, या हम कह सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर जो है 1 हो जाएगा, क्योंकि जो v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर है उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं उसके कंपैरिजन। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे v इज वेरी वेरी लेस देन c की,
तो जब v इज वेरी वेरी लेस देन c होगा तो उस केस में v अपॉन c इज वेरी वेरी लेस देन 1 होगा, v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर तो और छोटा होगा, तो अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर जो है अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल होगा। तो हम लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमारी क्या हो जाएंगी, रिड्यूसेस टू, पहली की बात करते हैं, इसमें ये वाली टर्म 1 के इक्वल हो गई, तो x डैश इक्वल टू x माइनस वी टी, y में कोई चेंज नहीं हो रहा, y इक्वल टू y डैश, z डैश इक्वल टू z। अब t डैश में भी यही बात करते हैं, v अपॉन c स्क्वायर, v c से बहुत कम है और v अपॉन c का स्क्वायर कर रहे हैं तो ये टर्म बहुत कम हो जाएगी, तो ये फिर नेगलेक्ट हो जाएगी, ये वाली तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल 1 के थी, तो t डैश इक्वल टू t, तो ये चारों इक्वेशन क्या हो गई, गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है, दीज इक्वेशंस आर गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, दीज आर गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, दीज आर गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो हम क्या कह मैम, सकते हैं, वाली टर्म बताना, टी डैश वाली टर्म फिर से देखिए, इसमें नीचे वाला टर्म तो वन हो ही गया, अब ऊपर वाला टर्म देखिए, इसमें v जो है वेरी वेरी लेस देन c है और v को हम डिवाइड कर रहे हैं c स्क्वायर से, तो ये वाली टर्म बहुत कम हो जाएगी, नेगलेक्ट हो जाएगी ये टर्म भी। ठीक है, तो t डैश इक्वल टू t रह जाएगा, क्योंकि अब तुम c स्क्वायर का मतलब क्या है, 10 to power 16, तो अगर इसको मैं ऊपर ले जाऊंगी तो 10 की पावर माइनस 16, ठीक है, सी कितना होता है, 3 into 10 to power 8, स्क्वायर का क्या मतलब हो गया, 10 to power 16, 10 to power 16 गया तो क्या हो गया, 10 to power माइनस 16, तो उस केस में ये टर्म 10 to power माइनस 16 को मैं 15 भी कर दूंगी, हमारा जो है ये 100 था 200 था, तो भी 10 to power माइनस 16 या 14 बहुत स्मॉल वैल्यू होती है, तो टी के कंपैरिजन में वो, क्योंकि नैनो भी नहीं है, 10 to power माइनस 9 भी नहीं है, उससे भी नीचे पी को, मतलब कहाँ 10 to power माइनस 15 है तुम, तो वो नेगलेक्ट हो जाएगा, है ना, उस रेंज में तो हम पहुंच ही नहीं सकते टाइम में, तो जो है वो नेगलेक्ट हो जाएगी तुम। हाँ बताइए मैम, आपने वैल्यू ली है जो, मतलब आपने बताया कि ये अगर वी सी से बहुत छोटा बहुत, है, हाँ बहुत छोटा है, अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर, अप्रोक्सीमेटली 1 नहीं, तुम 1 ले लो, 100 ले लो, मतलब भाई लाइट की वेलोसिटी कितनी है, 3 into 10 to power 8, अब इससे कम है वी, अब कितना कम है वी, नॉर्मल लाइफ में हमारा वी कितना होता है, 100 किलोमीटर पर आवर, 100 नहीं होगा 200 किलोमीटर होगा, अच्छे से अच्छी जो हमारी ट्रेन है, बुलेट ट्रेन जिन्हें हम बोलते हैं, वो भी 500 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा तेज नहीं चलती है। Yes, ठीक है, तो हम ये जनरलाइज कर रहे हैं जो लो वेलोसिटीज है, यानी कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स पे, तो उस केस में क्या होगा, ये वाली टर्म बहुत कम हो जाएगी, t माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर वाली टर्म, तो ये नेगलेक्ट हो जाएगी, तो t डैश इक्वल टू t, ये हमारी क्या है, गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, दस फॉर लो वेलोसिटी, यहाँ के बाद आप लिख सकते हो दीज आर गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, और फिर लिखना स्टार्ट करिए, मैं बोल रही हूँ, है ना, These are Galilean transformation equation. Thus, for low velocity, the Lorentz transformation equation approaches to Galilean transformation equation. Thus, we can say that. Lorentz transformation equation are valid for all velocity, yeah, are applicable for all velocity. We can say Lorentz transformation equation are applicable for all velocity. While Galilean transformation equation are applicable only for low velocity,
are applicable for only low velocity. Hence, Laurent transformation equation are superior over Galilean transformation equation.